कैसे हैं आप, लिखिएगा कमेंट में। आइए सुनते हैं भाजपा सांसद डॉक्टर सुधांशु जी को और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को भारतीय सभ्यता और कल्चर। और आप जब घटनाओं को अपने हिसाब से नहीं देखते तो भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, वो समझ गए जो 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे, उनकी समझ में आ गया, आपकी समझ में नहीं आया। वो समझ गए क्या कह रहा है ये, उनको लगा अच्छा ये बात है। उसने एक कहानी सुनाई, आप कहानी सुनने के आदि हैं, चंदा मामा चंपक की कहानियां पढ़ी। एक कहानी उसने सुनाई, वो कोई बहुत ऐसी कहानी नहीं है कि उस कहानी को न सुना हो, लेकिन जैसे ही उसने कहानी शुरू की मैं टारगेट समझ गया क्या कहना चाहता है। उसने कहा कि एक शेर और शेरनी अपने बच्चों के साथ जंगल में जा रहे थे, और शेर और शेरनी का जो मिजाज होता है वो शिकार का मिजाज होता है। उसने देखा जंगल में कुछ भेड़िए हैं, शेर उनका शिकार करने के लिए और शेरनी दोनों दौड़ पड़े, काफी आगे निकल गए। उनके चार बच्चों में से तीन बच्चे तो उसके पीछे पीछे भागे, और शेर ने शिकार किया, उसकी जो मिसिस थी शेरनी उन्होंने भी शिकार किया, और शिकार करके वो चले गए आगे। पलट के बहुत दूर जाने के बाद देखा कि ये तो तीन ही बच्चे हैं, चौथा कहाँ गया। रात हो गई इसलिए वो ढूंढने नहीं निकले, एक बच्चा पीछे रह गया, वो जंगल में चले गए, वो बच्चा भटक गया, और उस बच्चे को जो भी झुंड मिला वो उसमें शामिल हो गया, और गीदड़ों के बीच में रहते रहते वो अपनी पहचान भूल गया। और एक दिन उसकी मां, जो कि उसको चिंता थी कि मेरा एक बेटा कहीं चला गया है, वो लगातार इस कोशिश में उसको ढूंढती रही, और कई बरस बाद शेर को अपना बच्चा दिखाई दिया, तो शेर उससे कहता है तू शेर का बच्चा है, वो कहता नहीं मैं भेड़िया हूं। बहुत वो उसको ले गई एक कुएं के पानी में, उसको दिखा के देख जैसा तू है वैसे ही मैं हूं। बहुत कोशिश की उसने, खैर आखिर में शेर ने अपना चेहरा दिखाया कुएं के अंदर उस पानी में, और उस बच्चे से कहा तुम भी देखो। जैसे ही बच्चे ने अपना चेहरा और अपने पिता का चेहरा एक समान देखा, वैसे ही उसने शेर की तरह दहाड़ लगाई। ये तो कहानी है, असली लाइन ये है कि आपको भी 2014 में पता चला कि आप शेर की औलाद हैं। दहाड़ लगानी पड़ी आपको, गीदड़ों के बीच में से निकाल के लाना पड़ा। वो बार बार कहता रहा कि भाई तुम शेर की औलाद हो, आप बोले नहीं मैं सेकुलर हूं, नहीं नहीं मैं तो सेकुलर हूं। उसने कहा नहीं भाई तू सेकुलर नहीं है, ये गीदड़ है सेकुलर, तू नहीं है सेकुलर, तू सनातनी है। उसको इतना प्रयत्न करने के बाद 2014 इसलिए पैदा हुआ कि आपको एहसास हो गया हम हैं कौन। ये कहानी उसने सुनाई, हैदराबाद वाले जोकर को समझ में आ गई, वो बहुत परेशान रहा। हम जानते हैं निशाना कहां है, मैंने कहा इसीलिए तो बताया उसने, वो कंफ्यूजन नहीं रखता। तो आपको देश का प्रधानमंत्री, जो संविधान से शपथ लेके आया हो, जिसके ऊपर इतना सारा इंटरनल और एक्सटर्नल दबाव हो, अगर उसने उसके बीच में से रास्ता निकाल लिया तो ना हमारे ऊपर कोई दबाव है, ना हम किसी के लिए जवाबदेह हैं, हम सिर्फ सनातन के लिए जवाबदेह हैं। एक नहीं 1000 रास्ते आप निकाल सकते हैं। और वहां से चला, और यह काम उसने लगातार किया, लेकिन जो समाज हजारों साल से हीन भावना का शिकार हो जाता है, उस समाज को समझाने के लिए लगातार मैसेज देना पड़ता है, लगातार, ताकि वो बार बार ये सोचे कि ये कहना क्या चाहता है। हज का सब्सिडी खत्म हुई तो कुंभ मेले का विषय आ गया।
कुंभ मेला हम सब जानते हैं, कुंभ मेले का एक आस्पेक्ट आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है? कुंभ मेला कितने साल में एक बार पड़ता है? 12 साल में एक बार क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जुपिटर की साइकिल पर आधारित है। बृहस्पति ग्रह हर 12 वर्ष के बाद अपना एक चक्कर पूरा करके उसी राशि में दोबारा आता है, इसलिए कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार पड़ता है। हजारों सालों से चला आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता था ना कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। इनको तो अभी 100 साल पहले पता चला कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। और उसके बाद हमको समझा दिया जाता है नहीं साहब हम अनसाइंटिफिक थे। अब आप एक और बड़ी मजेदार बात देख लीजिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट और टाइम कौन तय करता है? सरकार घोषणा करती है ना, टीवी पे आता है, रेडियो पे आता है, अखबार में आता है, किस बेस पे आता है? नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी बताती है कि फला तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स। मगर ये बताइए 1950 से पहले तो नासा की ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। 1920 में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी उससे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट नहीं पता था, सॉरी 1916 में। 1920 में एडविन हबल एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी दी, उससे पहले एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स नहीं पता था। 1900 में मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने लाइट की क्वांटम की थ्योरी दी फोटॉन्स वाली, उससे पहले प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ही नहीं पता था। 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा, उससे पहले आप मानते थे एटम अनडिविजिबल है। और 1633 में आप ये कहते थे, गैलीलियो को फांसी दे रहे थे इस बात के लिए कि उसने कहा सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ, गलत है। तो भैया आप 380 साल चल के जहां पहुंचे हैं, हमारा पंचांग तो युधिष्ठिर के जमाने से एज इट इज चला आ रहा है। 5100 मतलब ये लॉजिक नहीं है, ये तो साइंटिफिक। फिर भी हमें समझाया जाता है कि साहब जो हमने सोचा उस समय हम अनसाइंटिफिक थे, हम गलत थे। बड़ी मजेदार बात है। इन ए स्पैन ऑफ लिविंग जनरेशन 50 साल में, देखिए ये जो अर्बन नक्सल्स थे उन्होंने हमारे दिमागों में क्या क्या भरा और फैक्ट क्या था। 50 साल पहले जिस जिस चीज का मजाक उड़ाया गया वो चीज आज ठीक उसके उलट हो गई। 50 साल पहले कहते थे अरे यार ये अगर खेती करनी है तो मैकेनाइज फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, गाय के गोबर से कोई खेती होती, आदमी चांद पहुंच गया तुम गाय के गोबर पे पड़े हो। आज नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग। 50 साल पहले क्या कहते थे, अरे भाई ये जड़ी बूटियों फल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? नीम हकीम खतरा है जान, खाना है तो नई दवाएं खाओ, क्लोसिन, मेटासिन, टेरामाइसिन। आज आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ। ठीक, आज से केवल 50 साल पहले आप ये कहते थे, जब हम कहते थे पेड़ों की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, कहते थे दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ ए प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। आज 1992 के रियो डी जनेरो से लेकर 2009 के कोपेनहेगन से लेकर 2016 के पेरिस तक आप कहते हैं नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट करो। भैया सब कुछ उलटता जा रहा है, जो हमने कहा जिसका आपने मजाक उड़ाया वो सब कुछ सही होता जा रहा। अब मैं एक और बात कहूंगा जिसका कि बहुत मजाक उड़ाया गया, शायद हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। भारत में यह कहा जाता था कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगाओ, संत महात्मा जाके गुफा में ध्यान लगाते थे, पीर फकीर जाके कहते थे इल्हाम हो जाएगा। लोग कहते थे क्या बेवकूफ है, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि जाके ध्यान लगाया ज्ञान प्राप्त हो गया? इफ यू वॉन्ट टू अटेन नॉलेज यू मस्ट आउटरीच, अंडरस्टैंड द थिंग्स, मीट द पीपुल, विजिट द प्लेस, लाइक व्हाट डार्विन हैज डन। अब 50 साल बाद मैं आपसे पूछता हूं, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो रास्ते हैं, एक यहां से दिल्ली से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़िए, 16 से 22 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लाइट, और आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि मोबाइल पर डाउनलोड करिए खट से और पढ़ लीजिए, क्यों आपके हाथ में डिवाइस है, जिसने डिवाइस बनाई उसने सॉफ्टवेयर भी बनाया है, और जिसने सॉफ्टवेयर बनाया उसने सपोर्टिंग नेटवर्क भी बनाया है। उसी ढंग से हमारा शरीर एक डिवाइस है, तो इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार और कॉन्शियसनेस एक सॉफ्टवेयर है, और उसका कनेक्टिंग नेटवर्क भी है, बस नेटवर्क से कनेक्ट होना है और सब डाउनलोड है। हम देश दुनिया के सबसे युवा देश हैं, यह सत्य है, मगर यह अर्ध सत्य है।
हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो एक गौरवशाली हमारा भूतकाल है और एक शानदार भविष्य है जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। और ये बात मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि चीजों को देखिए, आप सनातनी हैं होने का एहसास भी कीजिए कि हम क्यों हैं, क्यों दुनिया आज भी ये कहती है, पूरा यूरोप कहता है, पूरा विश्व एक ही बात बार बार आपसे कह रहा है। जो यहां से आपका ज्ञान ले गए, संस्कृत में ले गए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपसे कह रहे हैं ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए। हमने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से अपनी इतनी महान सभ्यता को बौना समझ लिया और बौनों को हम महान समझ बैठे हैं। लिहाजा आपका प्रधानमंत्री शपथ लेके बैठा है, हम में से तो किसी ने किसी चीज की शपथ नहीं ली है यार। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि अपने आप के अंदर की हीन भावना ऐसा से कमतरी को निकाल दीजिए। कहिए कि मैं शेर का बच्चा हूं, मेरी मां शेरनी है, मेरा बाप शेर है, कह के तो देखिए एक बार। और आप जब घटनाओं को अपने हिसाब से नहीं देखते तो भारत के प्रधानमंत्री ने संसद में एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। अखंड भारत, जिस दिन सनातनी समाज मानसिक रूप से बलशाली हो जाएगा, अखंड भारत होने में 24 घंटे नहीं लगेंगे। ये हिंदू राष्ट्र हो जाए, हिंदू राष्ट्र कमरों में बैठ के नहीं होता है, हिंदू राष्ट्र होने के लिए हिंदू बनना पड़ता है पहले। आप हिंदू नहीं बनते, आप यादव बनते हैं, ठाकुर बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, कायस बनते हैं, हिंदू नहीं बनते। जब हिंदू बनते हैं तो 2014 पैदा होता है।